बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शाहीन है। पीआरसी स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। पीआरसी जो मंथली बेस एग्ज़ाम हो रहे थे पीआरसी के, वो आईकैप की तरफ से मैंने बात की आज सुबह कॉल पर, तो आईकैप की तरफ से जवाब ये है कि पीआरसी के जो मंथली बेस एग्ज़ाम है वो जुलाई में भी होंगे, जुलाई में भी कंडक्ट किए जाएंगे मंथली बेस। बहुत सारे, मतलब मुझे ये क्यों इस तरह इन्फॉर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये सुना है कि सीनियर्स का भी और आसपास बहुत सारे लोगों का भी ये चीज़ कहना है कि जो पीआरसी के एग्ज़ाम है ये लास्ट जून की अटेम्प्ट तक हैं, उसके बाद ये मंथली बेस पर नहीं होंगे। लेकिन अभी अभी मेरी बात हुई है आईकैप, तो उनका कहना है कि ये नेक्स्ट जुलाई में भी कंडक्ट होंगे मंथली बेस पर। और दूसरा जो आप लोगों को इन्फॉर्म ये करना है कि आपका जो वन मिनट दूसरा आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना है कि आपका जो मतलब कि जो जून अटेम्प्ट में जो पीआरसी के बच्चे पास कर जाएंगे वो कैप के लिए क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है। आई कैप की तरफ से एज सच अभी कोई मतलब डेट्स की अनाउंसमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें आई कैप का, या एज पर माई थिंकिंग 99% चांसेस हैं ये कि जो बच्चे जून अटेम्प्ट में पीआरसी को क्लियर करेंगे वो कैफ के लिए एलिजिबल होंगे। वो कैफ का फास्ट ट्रैक में एक पेपर या दो पेपर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उठाएं और सितंबर में कैफ का पेपर दें, और ये 99% चांसेस हैं एज पर माई थिंकिंग। लेकिन अभी आई कैप की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन डेट्स अनाउंस का कोई भी डेट अनाउंसमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। और इसके बाद आ जाता है जुलाई का मंथ। जुलाई के मंथ में जो पीआरसी के बच्चे एग्ज़ाम देंगे जो क्वालिफाई होंगे वो कैफ के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, एक ये क्वेश्चन है। इस पर भी यही है कि आई कैप का अभी एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आई कैप का इस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जो जुलाई में बच्चे पीआरसी को क्वालिफाई करेंगे या पास करेंगे तो वो कैफ के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर आई कैप का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन आई कैप का कहना है कि जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तब आपको एक नोटिफिकेशन, अगर ऐसा कोई हुआ तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही इन्फॉर्म किया कर दिया जाएगा इंशाल्लाह मैं मोहम्मद शाहीन आपको दोबारा से उस चीज़ का इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो बच्चे कैफ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। लेकिन जून का मैं बार बार कह रहा हूँ कि जून का 99% चांसेज हैं कि वो एलिजिबल हैं, लेकिन जुलाई का फिलहाल 100% चांसेस हैं कि वो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है आई कैप की तरफ से। जून का अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो उसके लिए मतलब कि उसके हिसाब से तो हैं एलिजिबल, तो सून जैसे ही कोई आई कैप का नोटिफिकेशन आता है जून के बारे में भी तो वो भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।